नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम सिंगू बॉर्डर पे हैं, आज यहां जश्न का दिन है। नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। अभी हम मौजूद हैं यूपी गेट यानी गाजीपुर का बॉर्डर, जो दिल्ली यूपी का बॉर्डर है वहाँ पे। यहाँ सब जगह आप देखेंगे झंडे ही झंडे हैं, केसरी झंडे हैं, हरे झंडे हैं, पीले झंडे हैं, लाल झंडे हैं, लेकिन इन झंडों में एकजुटता है क्योंकि आज किसान यहाँ जीते हैं। अभी किसान आंदोलन जो एक साल से अधिक चल रहा था उसकी समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। सरकार ने लगभग किसानों की सभी मांगे पूरी तरह से मान ली हैं। इसके बाद किसान संगठनों ने मीटिंग करके इस आंदोलन की वापसी का ऐलान कर दिया है। यहाँ पे हमने कुछ किसानों से बात की है, उनकी खुशी के क्षण हैं, उनके गम के क्षण हैं, क्योंकि 700 किसानों ने यहाँ पे शहादत दी है। बहुत अपमान उन्होंने झेला इस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने के लिए। इन तमाम किसानों से हमने बात की है, सुनिए उन्हें। जब से ये आंदोलन चल रहा है इस दौरान किसानों ने क्या अनुभव किए और आगे के रास्ते में क्या होगा और इस पूरी जीत को वो किस तरीके से देख रहे हैं, उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं। अब तो किसानों की कही है, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और उसने ये भी कहा है कि कुछ थोड़े से किसानों को, मुट्ठी भर किसानों को हम समझा नहीं पाए। मुट्ठी भर मान के भी मुट्ठी भर किसानों ने सरकार के गोडे टिकवा दिए, मोदी को झुकना पड़ा। कितनी बड़ी बात है, एक मुट्ठी कह रहा था, उन्होंने सरकार का घमंड तोड़ दिया, मोदी का एक साल में चकना चूर कर दिया इसका घमंड। आजादी की लड़ाई सिर्फ इस SKM की नहीं है, आंदोलन की जीत नहीं है, तीनों काले कानूनों की आजादी की लड़ाई नहीं है, MSP की लड़ाई जो अधूरी रह गई है उसको भी हम लड़ने के लिए इसी मैदान में जटे रहेंगे। हम कहते हैं कि सरकार अपने वादों पर यदि खरी उतरती है तो ठीक है, नहीं तो हम मैदान को फिर दोबारा से फतेह करने के लिए दोबारा से आएंगे। ये जीत सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चे की नहीं बल्कि 80 करोड़ साथियों की जीत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सरकार के सामने टिक पाना ही सबसे बड़ी जीत है। मैं समझता हूँ कि MSP का तो झुंझुनिया पकड़ा दिया गया है, MSP का जो समिति का नाम लेकर, कमेटी का नाम लेकर शायद MSP के मुद्दे को दोबारा गर्त में डाल दिया गया, हमें इस बात का भी पता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि जिन काले कानूनों को, जिन तीन कृषि कानूनों के लिए हम आगे चले थे, हम उनको आज रिपील करवा रहे हैं। पूरे एक साल से ये आंदोलन चल रहा है, हम आज आंदोलन में है और आज हमारी जीत हुई है और हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं, उन शहीदों के बल पर हमारी जीत हुई है। हमने उन 700 किसानों को खोया है, लेकिन कोई भी संघर्ष, कोई भी आंदोलन कुर्बानी मांगता है, उन किसानों की कुर्बानी जाया नहीं गई है और हम मुकम्मल जीते हैं, पूरी तरह से जीते हैं। हमारी सारी मांगे सरकार ने मांगी है और जो मांगे नहीं मानी है उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे। हमारा ये प्रयास था कि हम जो है किसान यूनियन का जो आंदोलन चल रहा है वो हमारा सफल होकर रहेगा, टाइम चाहे कितना भी लगो। आज 1 साल 14 दिन का ये आंदोलन पूरा हुआ है। इसने जो नोटबंदी करी थी, जब कोई नहीं बोला, GST लाए जब कोई नहीं बोला, लॉकडाउन करा जब कोई नहीं बोला, हजारों लोग लुगाई मरे थे उसमें। ये किसान और मजदूर का जो आंदोलन था, इसने बता दिया कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, उससे ऊपर कोई सरकार नहीं होती, कोई प्रधानमंत्री, बहुत घमंडी प्रधानमंत्री है। सब हमारे को भी ये कहते थे, ये मानेगा नहीं बिल्कुल भी। हमने कहा अच्छा 10 साल लाग जाइयो, हम खाली हाथ दिल्ली से वापस नहीं आएंगे, आंदोलन जीत के आएंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था, पोल्यूशन एक्ट था, उन पर सरकार टेबल पे बात करने को तैयार है। इस आंदोलन के दौरान जितने पर्चे दाखिल हुए वो सारे आज वापस लेने को है। जिस आंदोलन के दौरान जितने लोग शहीद हुए उनको कंपनसेट बात करने की बात की जा रही है। मैं समझता हूँ कि आज किसानों ने एक ऐसी मियाद देश के सामने पेश की है, एक ऐसा एग्जाम्पल देश के सामने पेश किया है, जिससे आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जनरेशन और कल से अलग अलग संगठन, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के लोग आंदोलन करने के लिए प्रेरित होंगे और उस आंदोलन में प्रेरित करने के लिए वो संयुक्त किसान मोर्चे का उदाहरण दिया करेंगे, वो फार्मर प्रोटेस्ट का उदाहरण दिया करेंगे, वो किसान आंदोलन का उदाहरण दिया करेंगे। 378 दिनों की यात्रा चंद मिनटों में तो पॉसिबल नहीं है बता पाना, पर खट्टे मीठे बहुत तजर्बे हुए जी, बहुत सी मीठी यादें हैं जो लेके जा रहे हैं, दर्द भी बहुत है। खुशी है कि ये बुजुर्ग अपने घर जा रहे हैं जी, लेकिन तकलीफ भी है कि 732 किसान शहादत का जाम पी गए जी। वो जो 732 शहादत हो गई भाई साहब, वो बहुत बड़ा घाटा है। महिलाओं को एक अच्छा प्लेटफार्म मिला है, जो महिलाएं घर तक चूल्हा चौका
तक सीमित थी, वो आज टोल और बॉर्डरों पर बात करती हैं, अपने विचार व्यक्त करती हैं, उनको पता है उनके कानून क्या है, सरकार से लड़ना कैसे है और सरकार हमारे लिए क्या क्या कर रही है। अभी लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हुई है, एक लड़ाई यहाँ खत्म हुई है, लेकिन उसके बाद हमारी रोजगार के लिए लड़ाई है, शिक्षा के लिए लड़ाई है, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई है, महंगाई के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। और इस संघर्ष ने, किसानों के संघर्ष ने देशभर को संदेश दिया है कि कोई भी लड़ाई को संघर्ष के बिना जीता नहीं जा सकता। इस आंदोलन ने तो बहुत सबक दिया। पहले तो किसान 500 संगठन एकजुट हुए, उनमें लाख फूट डालने को इसलिए कूदने पड़ी। फिर दूसरी चीज क्या है कि इसको इन्होंने वार्ता बंद करके ऐसे लगा जैसे अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही वार्ता खत्म की 22 जनवरी को, ये आंदोलन नए आयाम नए जोड़ता चला गया। आज हमारे दिल में बहुत ज्यादा खुशी है, जो कि एक साल लंबा आंदोलन चला, हमारी ट्रेनिंग भी हुई, बहुत ज्यादा सीखने को मिला। जो हमारे पंजाब वाले साथी हैं, उनसे हमें आंदोलन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इससे हमें ये लाभ है, हम मोदी का धन्यवाद करते हैं कि मोदी ने आंदोलन लड़ना सिखा दिया और हमारे एसकेएम का जन्म करवा दिया, चाहे वो स्टेट पे है चाहे वो ऑल इंडिया पे है। हमारा एक साल का बच्चा है एसकेएम, अभी इसको घी दूध पिला के बड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे, हम बरकरार रखेंगे, चाहे तो सेंटर का है चाहे स्टेट का है। इमोशनल दिन है, भावनात्मक दिन है, और ये इमोशनल दिन हर उस साथी के लिए है जो लोकतंत्र व संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करता है। मैं समझता हूँ कि आज इस जीत का सबसे बड़ा, आज का जो दिन है, मैं बड़ा इसलिए मानता हूँ कि आमतौर पर आंदोलनों की जीत तब दिन खुशी में नहीं हुआ करती थी। आंदोलन हमेशा या तो दंगे की भेंट चढ़ते थे या आंदोलनों को एक सुयोजित तरीके से प्लांटेड करके शासन द्वारा गर्त में डाल दिए जाते थे, लेकिन ये आंदोलन फतेह होकर आज आंदोलन जा रहा है। विनती करेंगे सभी से कि कहीं इस खुशी के मौके के ऊपर उन 732 किसानों को भूल ना जाए, क्योंकि उनकी शहादत के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आज बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे भारत देश आज ही आजाद हुआ, जश्न मनाने को दिल करता है। और 11 तारीख को हम वापसी करेंगे तो जश्न के साथ वापसी करेंगे। आंदोलन के दौरान में सरकार ने बोला मवाली है, आतंकवादी है, आंदोलन जीवी है, बहुत कुछ बोला, विदेशी फंडिंग बोला, लेकिन किसानों ने बता दिया कि आप कुछ भी बोलिए लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम मटेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे। और साथ ही साथ अब देखिए, अभी 4 दिन पहले उन्होंने माना कि हम किसान है, अभी तक उन्होंने किसान भी नहीं माना था, लेकिन उनको मानना पड़ा कि हम किसान है। हमारी मुख्य मांगों पर सभी जगह मान ली गई है। एक MSP की बात है जिसको कमेटी के माध्यम से रिजोल्व करने की बात कर रहे हैं, हमें वो जरूर झुंझुनिया लग रहा है सरकार का, लेकिन अगर कमेटी वो भी अगर फाइनलाइज हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आजादी के बाद पहला ऐसा आंदोलन था जो आर्थिक आजादी का आंदोलन था, जो आजादी जैसे ही इतना बड़ा आंदोलन था। और इस आंदोलन को आने वाली पीढ़ियां अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अलग अलग डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, अलग अलग बुक्स के माध्यम से, अलग अलग फिल्में इस आंदोलन के माध्यम से बनेंगी। और मैं तो मीडिया के साथियों का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा, स्पेशल सोशल मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस आंदोलन की दिशा व दशा बदलने का काम किया। हर एक इंसान की इसमें बहुत बड़ी मदद रही है, चाहे किसी ने एक दिन लगाया है, चाहे एक महीना, चाहे कोई रेगुलर है। और रवि जी, बहुत से लोग हैं जो अलग अलग चौकों पे खड़े थे, जैसे चंडीगढ़ में बाबा लाभ जी हैं, या मोहाली में हमारे भाई खड़े थे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशनों पे हर बंदे ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जो भी बनता था जी, बड़े एक्सपीरियंस रहे ये सब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस आंदोलन की सच्चाई दिखाई, जबकि गोदी मीडिया ने तो हमें बदनाम करने में, हमें कभी परजीवी कहा भाई जी, कभी खालिस्तानी कहा, कभी कुछ कहा। ये जो आंदोलन है भाई साहब, ये बहुत शांतमय आंदोलन रहा। इस सरकार ने हमें बिल्कुल घर तक सीमित कर दिया था, आज हम टोल बॉर्डरों से विधानसभा और संसद के जो गलियारे हैं उनको मापने का काम 2024 में करेंगे, इस सरकार को सड़क पे लाने का काम करेंगे, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि ये कलम कहाँ चलती है। अब हम विधानसभा और संसद के गलियारों पर कब्जा करेंगे ताकि हमारे लिए गलत कानून ना बने, वहाँ कोई महिला हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई हमारा गरीब मजदूर हो, ताकि कोई गलत कानून ही ना बने। हरियाणा पूर्ण रूप से ये चाहता है कि जो इतने सालों में इतने संगठन एकत्रित होकर एक संयुक्त किसान मोर्चा बना है, इतने 1966 के बाद पहली बार
हरियाणा पंजाब एक प्लेटफॉर्म पे आया है, हरियाणा पंजाब और वेस्टर्न यूपी एक प्लेटफॉर्म पे आया है, तो एक बात पर अगर हम एक स्टेप पीछे ले लें उसके माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा बचा रहे, हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की जो यूनिटी बनी है, जो एकता बनी है वो बची रहे, तो हमें ऐसा समझौता मंजूर है, खुशी खुशी के साथ मंजूर है और हम इस चीज को जीत के साथ आज इस दिन को देख रहे हैं। हम लोग पैदल आए थे घर से, पैदल ही वापस जाएंगे, सबसे लास्ट में आए जाएंगे। जब आए थे तब 16 किलोमीटर लंबा काफिला लोगों ने घर बनाए हुए थे। दिल में एक बात है कि जब जाऊं उस तरफ की किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की स्टेज से तो ये रोड पूरी की पूरी खाली मिलनी चाहिए। मतलब रवि भाई आखिर में जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे और सभी लोगों को विनती करेंगे आखिर में कि कहीं गलती से भी उन लोगों को ना भूल जाएं जिन्होंने साथ वो ये एक साल 13 दिन हमें यहाँ बिठाए रखा। भूल मत जाइएगा। बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, आपके चैनल के हम अति आभारी हैं भाई साहब जिन्होंने इतना सहयोग किया, दिल से आभारी हैं। ऐसा लगता है जैसे सरकार ने थूक के चाट लिया। हम वाली थे, हम आतंकवादी थे, हम पाकिस्तानी थे, पर उसी सरकार ने हमें ये कहने के लिए मजबूर कर दिया हम लोगों ने एकता के साथ कि हम किसान हैं, हम महिला किसान हैं, हम आतंकवादी नहीं, हम इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं और हमारे किसान इस देश का पेट भरते हैं। आज ये जीत हुई है तो मैं सबसे ज्यादा श्रेय उन 700 किसानों का, उन लखीमपुर में हमारे शहीद हुए 4 किसानों का, एक पत्रकार का, और इसके अलावा जो सैकड़ों हजारों मुकदमे दर्ज किए गए थे जिनको लीगली मेंटल हरासमेंट किया गया था, उन साथियों के जीत का श्रेय जाता है। हम जो शहीद स्मारक की बात कर रहे हैं उसमें बात इसी वजह से कर रहे हैं, हम प्रदेश की सरकार से अनुरोध विनती प्रार्थना इस बात से कर रहे हैं कि एक शहीदों का स्मारक बनाया जाए, वो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कि पता चलेगा कि जब देश की आर्थिक आजादी की बात थी या किसान मूवमेंट की बात थी, किसानों की खोज की बात थी, उसमें 700 किसान यहाँ पर आत्महत्याओं के द्वारा, प्राकृतिक मौतें उनकी हुई थी, अलग अलग बीमारियों से उनकी मौतें हुई थी, हार्ट अटैक से उनकी मौतें हुई थी, उन साथियों की वजह से ये जीत मिली थी। उन साथियों ने किसानों के लिए सर्दी गर्मी बारिश व कोरोना की सेकेंड वेव जैसी महामारी में भी लड़ने का काम किया था। इस बात का मोदी को घमंड था कि हम तो झुकते नहीं और सारा देश प्रदेश ये कहता था मोदी ने जो कानून बना दिया वो वापिस नहीं होते, पर हमने कह दिया था कि एक दिन ये वापिस होंगे और आज वो सुनहरा दिन है और हम इस मौके को अपनी आंखों से देख रहे हैं। जो हमने एक साल संघर्ष किया था उस संघर्ष की देन, जो हमारे 750 किसानों की शहादत पे एक शब्द नहीं बोला, उस इंसान को हमने बोलने के लिए मजबूर कर दिया। जब हम देश के प्रधानमंत्री को झुका सकते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति, दुनिया के किसी भी आंदोलन को और किसी भी लड़ाई को हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। उन साथियों को हमें याद करना चाहिए और उन साथियों को आने वाली पीढ़ियों को भी याद करना चाहिए, उन साथियों को जो बीजेपी की जो विचारधारा के लोग हैं उनको भी याद करना चाहिए। जब सत्ता किसी और की होगी तो वो भी आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में इस किसान मूवमेंट का, इस फार्मर मूवमेंट का, इस संयुक्त किसान मोर्चे का वो एग्जाम्पल दिया करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे ने एक एग्जाम्पल इस देश के सामने सेट करने का काम किया। बिल्कुल खुश है, ऐसा लगता है जैसे आजाद हम पहली बार हुए हैं, पूरा आसमान हमारा है और हम उड़ने के लिए तैयार हैं।